नमस्कार दोस्तों, स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई और कुछ इसी तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की लड़ाई तय करेगी कि भविष्य में राजनीति का रास्ता कौन से दो बड़े बदलाव तय करेंगे। देखा जाए तो आज की पूरी राजनीति भी इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहली कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं केजरीवाल, और दूसरी कांग्रेस को रिप्लेस करने जा रहे हैं केजरीवाल। और इन दोनों बातों के बीच राजनीति अपनी सबसे ज़्यादा गंदगी, नीचता और आखिरकार पतंग के दौर से गुजरेगी, ये भी तय है। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो इसकी तस्दीक भी कर रहा है। स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर आरोप क्या साबित कर रहा है? क्या केंद्रीय सत्ता के गलियारों तक पहुंच बनाने के लिए केजरीवाल की पार्टी सहित भाजपा और कांग्रेस क्या वो सब करेंगी जिसके बारे में क्लिक इंडिया शुरू से ही कहता आ रहा है? हाल के वर्षों में देश ने जो देखा, राजनीति अब देश के लिए कम, जन सरोकार के लिए कम, रसूख और बदले की भावना से ज़्यादा हो रही है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो कैसे अमित शाह को गुजरात से दर बदर किया गया, और जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई और अमित शाह गृह मंत्री बने तो कैसे घर की दीवार फांद कर पी चिदम्बरम को एक अधिकारी गिरफ्तार करता है और उस अधिकारी को फिर राष्ट्रपति पदक मिलता है, ये भी पूरे देश ने देखा। समाजवादी पार्टी के इशारे पर मायावती के कपड़े फाड़ने की कहानी भी पूरे देश ने पढ़ा। दक्षिण की कद्दावर नेता जयललिता की जब विधानसभा में साड़ी खींची गई और जब जयललिता सत्ता में आई तो व्हील चेयर पर बैठे करुणानिधि की भी परवाह नहीं की और अपने अपमान का बदला करुणानिधि के घोर अपमान से लिया, ये भी पूरे देश ने देखा। राजनीतिक बदले की आग कुछ इस स्पीड में बढ़ती जा रही है कि वो सिटिंग मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, सिटिंग मुख्यमंत्री के घर पर, और सिटिंग मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूँ कि गठबंधन की पार्टियों द्वारा ये वार्ड केजरीवाल की राजनीति चमकाने के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिटिंग मुख्यमंत्री शब्द का यूज किया जाता रहा और कहा जाता था कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को मोदी ने जेल में ठूस दिया। तो सिटिंग मुख्यमंत्री के घर पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को इसी सिटिंग मुख्यमंत्री का पीए सबके सामने कथित तौर पर पिटने का आरोप जो लग रहा है, ये आरोप भी देश भर के समाचार पत्रों, टीवी चैनलों की सुर्खियाँ बनी। ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से नेता सत्ता के मद में अंधे होकर सब कुछ ताक पर रख देते हैं, और इस मदांधता में तीन पार्टियों के बीच जबरदस्त रस्साकसी चल रही है जिसमें पूर्व की एक रसूख वाली पार्टी कांग्रेस को जनता हर जगह से नकार रही है और इसीलिए लाइमलाइट में ये पार्टी कम है। दूसरी पार्टी है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जिसे लेकर भाजपा डरी हुई है। ये दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस को बेदखल कर दी और भाजपा को भी आज तक दिल्ली में नहीं सत्तासीन होने दिया, भाजपा को दिल्ली एमसीडी चुनाव से भी भारी फजीहत के साथ बेदखल किया, वैसे ही एक दिन केंद्र से न बेदखल कर दे। और दूसरी तरफ केजरीवाल भाजपा के केंद्रीय सत्ता में होने से डरे हुए हैं और भरसक कोशिश में हैं कि उनके अधिक से अधिक सांसद लोकसभा पहुंचे ताकि किसी भी तरह से गठजोड़ की सरकार सत्ता में आ जाए और वे जेल में जाने से बच जाए। जैसा कि वे जेल से निकलने के बाद, मतलब कि जमानत पर रिहा होने के बाद, वोटरों से अपील में कह भी रहे हैं कि अगर लोग 25 मई को आम आदमी पार्टी को चुनते हैं तो उन्हें दोबारा जेल में नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरी तरफ है इन दोनों पार्टियों से हटकर भाजपा, जिसके सामने आज की तारीख में कोई नहीं टिक पा रहा है, और कमोवेश नई सत्ता का स्वाद चखने वाली भाजपा को सबसे ज़्यादा डर इस बात का ही है कि कहीं से भी उसकी सत्ता नहीं छीननी चाहिए, अन्यथा राजनीतिक बदले के दौर से उसे भी गुजरना होगा और फिर उसके पक्ष में कोई बोलने वाला भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि राजनीतिक बदले में सिर्फ सत्ता की हनक बोलती है और उस हनक के पक्ष में टीवी, अखबार सब बोलते हैं, बाकी सब या तो खामोश हो जाते हैं या खामोश करा दिए जाते हैं। तो क्या केजरीवाल को सत्ता का स्वाद बहुत भाग गया है, और क्या इस रस्साकसी में कोई भी दल देश और जनता के हितों से ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है, अपनी पार्टी के फैलाव के बारे में सोच रहा है? हर किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस को ही देख लीजिए, इस पार्टी ने लगभग 60 सालों तक देश पर राज किया। आज अगर वो सत्ता से बाहर है तो भाजपा के कारण ही, और सत्ता से दूर रहने के कारण वो बुरी तरह से छटपटा रही है। राहुल गांधी 53 साल के हैं, लेकिन 52 साल तक न तो उन्हें भारत टूटा हुआ दिखाई दिया और न ही भारत के साथ अन्याय होते दिखाई दिया, लेकिन पिछले 1 साल में भारत को वे जोड़ने भी निकले, न्याय दिलाने भी निकले, क्योंकि अब 2024 के चुनाव चल रहे हैं। राहुल ने देश का मूड भांप लिया है, सर्वे भी मोदी के पक्ष में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, और इन सबकी आवाज़ दबाने के लिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ में राहुल चिल्ला रहे हैं कि लिख कर ले लो 2024 में मोदी नहीं आएंगे। तो इन आकलन में यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस समझ रही है कि
उसकी प्रतिद्वंदी है बीजेपी और यही कांग्रेस सबसे बड़ी भूल कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को अभी टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन पूरा प्रयास बीजेपी के खिलाफ कर रही है और जो आम आदमी पार्टी आज भी उसका नुकसान कर रही है, जो सरकार में उसका साथ छोड़कर चली गई, जो उसका भविष्य का प्रतिद्वंदी है उसके साथ गठबंधन कर रही है और उसके इस रणनीतिक खामियों का फायदा उठाकर केजरीवाल खुद को मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जेल से निकलते केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया और हर भाषण में उनका एक ही मकसद है, पीएम मोदी पर चुनावी हमला। भाजपा को वे जितना नुकसान कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना राजनीतिक तौर पर मजबूत हुए वे कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए सबसे पहले जेल जाने के बाद अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में जो मायूसी छाई थी उसे उन्होंने अपने जोशीले भाषण द्वारा दूर किया और इसके बाद शुरू हुआ पीएम मोदी और अमित शाह पर करारा हमला। केंद्रीय सत्ता का डर राज्यों में पैदा किया, उदाहरण दिया शिवराज सिंह चौहान का, और डर फैलाते गए भाजपा के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। क्या केंद्र सरकार के मंत्री, क्या राज्य के मुख्यमंत्री, क्या जनता, क्या पार्टी, क्या कार्यकर्ता, सबके अंदर आशंका के बादलों को केजरीवाल ने घुमड़ने के लिए छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ का नाम लेना मतलब केजरीवाल की तरफ से उन मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करने की बड़ी चाल जो वोट डालते वक्त हिंदुत्व को सबसे पहले देखते हैं। दूसरी बात कि केजरीवाल ने मोदी की गारंटी पर यह कहकर सवाल उठाया कि मोदी अगले वर्ष 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे और खुद अपने ही फॉर्मूले के अनुसार वो राजनीति से हट जाएंगे। केजरीवाल ने यह कहकर जनता से ही मौन सवाल कर लिया कि तब किसके चेहरे पर वोट कर रहे हैं आप, और खुद जवाब भी दे दिया कि अमित शाह। मतलब अगर मोदी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं तो जरा रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो मोदी नहीं अमित शाह पीएम बनने जा रहे हैं इस बार। ये पूरी बातें या समझाइश हैं केजरीवाल की जनता के लिए। लेकिन इन सबके बीच केजरीवाल की राजनीतिक चालाकी देखिए। केजरीवाल को पता है कि भाजपा अगर दो बार बहुमत से चूमकर आई है तो मोदी के चेहरे पर ही चूमकर आई है। केजरीवाल को यह भी पता है कि दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ भाजपा को नहीं हरा पाएगी और सातों सीट भाजपा के खाते में जा रही है। लेकिन इसीलिए तो वे परेशान हैं और ये एजेंडा सेट कर रहे हैं कि भाजपा जीती तो अमित शाह पीएम बन जाएंगे, तो आप लोग मोदी के नाम पर वोट कर फंस जाएंगे। उन्हें पता है कि मोदी के नाम पर ही वोट मिलना है, दो बार मिला भी। भाजपा की बंगाल, उड़ीसा, तमिल, केरल में सीटें बढ़ेंगी, राजस्थान और कर्नाटक में एक दो कम भी हो सकती हैं, बिहार में एक दो कम हो सकती है, लेकिन सहयोगी भी तो हैं, उनमें भी सीटें कम हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट में 25 में से 22 सीटें जीतकर भाजपा बेस्ट कर सकती है, तो एक दो राज्यों में कम होगी तो उसकी भरपाई नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य कर देंगे। ये सब कुछ केजरीवाल जानते हैं, फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दें। अब बात करते हैं केजरीवाल के दूसरे स्टेप को एस्टैब्लिश करने की। मोदी के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के इन स्ट्रांग पिलर्स पर जबरदस्त प्रहार किया। लोगों के बीच मोदी अमित शाह के तकरार की बातें होती हैं, योगी अमित शाह की बातें होती हैं, लेकिन केजरीवाल पॉलिटिकल गॉसिप को बड़ी चालाकी से अपने चुनावी भाषणों में लगातार एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जबकि पूरा देश जानता है कि भाजपा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल ने अपने भाषण में लगे हाथों ये भी कह दिया कि जिस मोदी की गारंटी पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं या वोट देने जा रहे हैं, अगर वे मोदी पीएम ही नहीं बनेंगे तो फिर मोदी की गारंटी का क्या, कौन पूरा करेगा मोदी की गारंटी। ये कहकर केजरीवाल ने एक साथ कई शिकार किए और ये राजनीतिक शिकार उनकी पार्टी के लिए उनके जेल से बाहर आने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें पता है मोदी की पॉपुलैरिटी, उन्हें पता है सर्वे में मोदी कितना आगे हैं, उन्हें याद है पिछले चुनाव में अपनी पार्टी के जमानत जब्त होने के किस्से, और केजरीवाल का यह दांव काम कर गया। अमित शाह केजरीवाल की बातों का जवाब देने के तौर पर ही सही, लेकिन सफाई देने लगे, भाजपा के अन्य नेता भी साफ करने लगे ताकि जनता इधर से उधर न हो जाए, और ये कहने लगे कि मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इन सब बातों से ये तो क्लियर है कि केजरीवाल को पता है कि बाद में चाहे जो भी खतरा बने, लेकिन उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए अभी एक ही खतरा है, मोदी। और इसीलिए केजरीवाल ने मोदी पर चुनावी हमला किया और उस हमले से लगे हाथों विपक्ष को भी मैसेज दिया कि सब मिलकर मोदी पर हमला करो और मोदी को इस चुनाव में निपटा दो। राहुल गांधी काफ़ी खुश। ये और बात है कि बाद में राहुल गांधी ही केजरीवाल की इस रणनीति के कारण
सबसे ज़्यादा आंसू बहाएंगे, क्योंकि वे उनकी पार्टी जानती है कि केजरीवाल 50 दिन बाद जेल से निकले हैं और उनसे बेहतर शहादत स्टाइल में स्पीच कोई नहीं दे सकता। तो एक तो वैसे ही जनता के बीच रहने वाला 50 दिन से दूर था, तो जनता उसके दर्शन को प्यासी है, और दूसरे कांग्रेस किसी कीमत पर केजरीवाल के जेल जाने तक न तो कहीं से डिस्कशन में आएगी और न ही एजेंडा सेट कर पाएगी। और इसी बात की निराशा है कि राहुल ने केजरीवाल के रिहाई पर अब तक कुछ नहीं बोला है। राहुल ममता सहित अलायंस के घटक दल चाहेंगे कि जितना इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए वे कर सकते हैं कर लें तो बेहतर है, क्योंकि भले ही उनकी पार्टी की जीत की गारंटी नहीं है केजरीवाल, लेकिन नेताओं को पता है कि केजरीवाल जेल में रहते हुए मोदी को लेकर अंदर तक भरे हुए हैं, और उन पार्टियों के इंडी गठबंधन की लड़ाई भी मोदी से है और केजरीवाल उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अगर केजरीवाल ममता के लिए पश्चिम बंगाल में जाकर भाषण देते हैं तो ममता को फायदा के सिवा नुकसान क्या है? केजरीवाल अन्ना आंदोलन के दौरान अपने वादे, अपने सच्चे होने से लेकर जो भी दावे करते रहे, वो सत्ता की सीढ़ियों तक पहुँचने का रास्ता भर था। सत्ता में सवार होते ही केजरीवाल जो नहीं कर पाए, उसे खुद को कट्टर ईमानदार मोदी को तनाशाह कहकर अपने मुकरे वादों की तरफ से जनता का ध्यान हटाते रहे, और इसका असर जनता के कुछ हिस्से पर हुआ भी। इसीलिए वे आडवाणी को साइडलाइन करने की बात कहकर मोदी को तनाशाह बताते हैं, लेकिन वे ये नहीं बताते कि उनकी पार्टी से कुमार विश्वास, युगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, अलका लांबा और प्रशांत भूषण जैसे नेताओं को उन्होंने एक के बाद एक कैसे अलग कर दिया। तो फिर तनाशाह कौन है? वे ये नहीं बता पाते कि कोर्ट ने उनसे ये क्यों कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय मत जाना, कोई फाइल मत छूना, क्योंकि कोर्ट को ये पता है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है तो आप गलत कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं जांच को। तो कोर्ट ने इन शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दिया कि आप जाइए लेकिन चुनाव प्रचार करके चुपचाप जेल में चले आइए। लेकिन केजरीवाल इसे चुनावी राजनीति में भुना रहे हैं। केजरीवाल को ये भी पता है कि दिल्ली और पंजाब के बाहर उन्हें कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता बुला रहे हैं और उनका चेहरा दूसरे राज्यों में चमक रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? इससे आने वाले समय में उनकी पार्टी के लिए उन राज्यों में राजनीतिक जमीन तो तैयार हो ही जाएगी। स्वाति मलिवाल के साथ मारपीट का मामला देखिए और समझिए कि आज राजनीति कितने गंदे स्तर से गुजर रही है। किसी के यहाँ 500 करोड़ तो किसी के यहाँ करोड़ों की बरामदगी, और गुस्सा ईडी सीबीआई पर, बेमान निष्पक्षता की बात करते हैं। लूट खसोट राजनीति का शगल बन चुका है और अक्सर आरोप लगता है कि करोड़ों में टिकट बिका, लेकिन राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी की बात करने वाले क्यों नहीं आ पाते? IIT, IIM, डॉक्टर, इन लोगों को टिकट क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वे लोग खरा पका बोलते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, कमी है देश को एक विजन देने के लिए चांस की। वे देश की नीतियों और विकास के लिए देश से जुड़ना चाहते हैं। आज देश में ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलता तो समझा जा सकता है कि भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, अगर राजनीति में योग्य उम्मीदवार नहीं आएंगे तो जयललिता, करुणानिधि, योगी आदित्यनाथ, चिदम्बरम, अमित शाह और स्वाति मालीवाल जैसे कद्दावर नेताओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने की बात तो दूर, घटनाएं और अधिक बढ़ेंगी और एक दिन वही भारत की केंद्रीय सत्ता में काबिज होगा जो येंग केन प्रकार ऋण चुनाव जीतेगा, और वो चाहेगा कि अपनी उस जीत को किसी भी तरह से दशकों तक बनाए रखे, क्योंकि राजनीतिक बदलाव के साथ उसे बदला भी जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि भारतीय राजनीति में बहुत तेज़ी से ये गंदगी घर कर रही है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।